हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए अपने चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एलियंस में हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे आज। लेक्चर नंबर 6 में हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जब वेजिडेस फॉर्मूला में आपको गिवेन हो कोई भी क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा हो, तो अगर SN1 रिएक्शन होगा तो उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एंड अगर वो SN2 रिएक्शन हुआ तो उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें हमने जाना था कि SN2 के केस में वॉल्डन इन्वर्जन होता है। मैं आपको ये बता चुका था, फिर मैं आपको तीन चार क्वेश्चन भी बताएं इसके बेसिस पर। फिर फिशर फॉर्म मैंने आपको पढ़ा, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेजडेस एंड फिशर प्रोजेक्शन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपाउंड आपको वेजडेस में है गिवेन, तो आप उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर फिशर में है तो आप फिशर में आंसर कर देंगे, और अगर वेजडेस में है तो आप उसका आंसर वेजडेस में कर देंगे। आइए एक मैं दो एग्जाम्पल कर देता हूँ, जिसमें कि हम जो सबस्ट्रेट लेंगे वो एक फिशर फॉर्म में होगा, बट जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा उसे हम वेजडेस फॉर्मूला में आंसर करेंगे। एंड जस्ट इसका एक रिवर्स भी करेंगे कि हमें क्वेश्चन वेजडेस फॉर्मूला में गिवेन हो और हम उसका आंसर फिशर फॉर्म में करेंगे। इसका कन्वर्जन मैंने आपको सिखा रखा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमने एक फिशर फॉर्म लिया, एक सेंटर, दिस इज CH3, दिस इज CH2, CH3, दिस इज X एंड दिस इज हाइड्रोजन। हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं OH- से, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो रिएक्शन है दिस इज SN1। ये SN1 रिएक्शन है। तब SN1 रिएक्शन में दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमें दोनों ही आंसर्स किस में करने हैं, वेजडेस फॉर्मूला में अपना आंसर करना है। ये मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवेन है कि हमें जो अपना आंसर है वो वेजडेस फॉर्मूला में ही देना है। तो आइए देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिशर फॉर्म में इसका जो रिजल्ट बनेगा प्रोडक्ट उसको हम बना लेते हैं, फिर बाद में इसका कन्वर्जन कर देंगे। तो CH3 और हाइड्रोजन ये एज इट इज सेम रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो लिविंग ग्रुप है एंड जो इससे सामने जो ग्रुप है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे जितने भी पोजीशंस होती हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं। अब OH- अगेन दो पाथ फॉलो करेगा, एक जिधर से लिविंग ग्रुप हो निकले उसी साइड से हो, तो फर्स्ट वाला मैं बना दे रहा हूँ, जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला उसी साइड से ये OH आके लग गया, एंड यहाँ पर CH2 CH3, और लिविंग ग्रुप की तरह ये यहाँ से निकल गया। प्लस इसमें जो सेकेंड बनता है, अगेन CH3 एंड हाइड्रोजन एज इट इज सेम रहेंगे। अब जो सेकेंड बनता है कि जो ये लिविंग ग्रुप है इसके अपोजिट साइड से ये अटैक करे एंड लिविंग ग्रुप निकल जाए, तो जब ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो ये OH इधर आएगा, एंड ये जो इथाइल ग्रुप है CH3 CH2 दिस इज, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा शिफ्ट होके। तो ये हमारा बना ए एंड दिस वन इज बी, ए एंड बी आर इनेंसियोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड इस पूरे सॉल्यूशन को जब हम बनेंगे, जो मिक्सचर इन दोनों का फॉर्म होगा उसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इन सारी बातों को हम पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था। अब इसका आंसर जो है, हमने फिशर फॉर्म में तो निकाल लिया, बट हमें आंसर करना है वेजडेस फॉर्म में। तो सिंपल है, कौन सी बड़ी मुश्किल है? आप इस फिशर फॉर्म को, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उनको आप वेजडेस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लें। अब जब इसको करेंगे तो मैंने माना कि इसकी कैविटी जो है लेफ्ट साइड, हमने माना कुछ इस तरह से, ये CH3 सबसे ऊपर, ये हाइड्रोजन सबसे नीचे। अब कैविटी हमारी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वाली ग्रुप अबव द प्लेन जाएगी OH, एंड जो इसका इथाइल ग्रुप है जो OH का अपोजिट है वो बिलो द प्लेन जाएगी।
ये क्या हुआ, ये हमारा ए बन गया वेजिटर फॉर्म में, प्लस बी वाला भी कर लेते हैं, अगेन CH3 एंड हाइड्रोजन नॉर्मल प्लेन। और ये जो इस बार कैविटी भी है लेफ्ट साइड में ही, बट ये जो है CH3 CH2, अब ये अबव द प्लेन जाएगा, CH2 CH3, एंड ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, वो बिलो द प्लेन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया ए एंड बी इन केस ऑफ वेजिटेस फॉर्मूला। ये समझ में आया। अब आइए दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम क्या डिस्कस करेंगे, दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर वेजिटेस फॉर्मूला में गिवेन है वेजिटेस फॉर्मूला में गिवेन है Cl हाइड्रोजन CH3 एंड दिस इज ड्यूटेरियम, एक वेजिटेस फॉर्मूला है, प्लस इस पर हमने न्यूक्लियोफाइल Br- माइनस रखा, SN2 रिएक्शन हो रही है, SN2 हो रही है तो इसका मतलब वाल्डेन इन्वर्जन होगा, वाल्डेन इन्वर्जन होगा, वाल्डेन इन्वर्जन में क्या होता है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो ये हमारा CH3 आएगा। दिस इज ड्यूटेरियम, इन बॉन्ड्स में मेरा कोई आपत्ति नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आएगा कि अब अपोजिट साइड से अटैक करेगा, मतलब ये जो क्लोरीन अप साइड से निकल रहा है तो ब्रोमीन बिलो साइड से ऐड होगा, तो ब्रोमीन हमारा बिलो साइड से आएगा और जो हाइड्रोजन बिलो है ये शिफ्ट होके अबव चला जाएगा। ये हो गया हमारा वाल्डेन इन्वर्जन। अब इसका रिएक्शन जो है, मान लीजिए कि जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेजिटेस में हमने दिया तो है, बट आपका जो आंसर आना चाहिए वो फिशर फॉर्म में आना चाहिए। तो सिंपल है आपके लिए, मैं तो आपको कन्वर्जन सिखा चुका हूँ। एक सेंटर है, एक सेंटर बना लीजिए, CH3 सबसे ऊपर, ड्यूटेरियम सबसे नीचे, कैविटी हमारी किस साइड है, कैविटी हमारी लेफ्ट साइड, तो अबव द प्लेन वाला ग्रुप लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट साइड जाएगा और ब्रोमीन जो है वो राइट साइड जाएगा। ये हो गया हमारा फिशर फॉर्म। एज सिंपल एज दैट। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन को पढ़ लिया, हमने ये देखा कि SN1 रिएक्शन दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है एक बार अबव साइड से अटैक करता है एंड एक बार बिलो साइड से अटैक करता है, उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, इसे हम दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप पार्सली अटैच्ड होते हैं जिस कार्बन सेंटर के, क्योंकि जब ये लिविंग ग्रुप निकलता है उससे पहले ही जस्ट ये कम्प्लीटली निकला नहीं रहता है, तब तक ये ब्रोमाइड आए जो न्यूक्लियोफाइल आपका गिवेन होगा वो यहाँ पर आके अटैक कर चुका होता है, तो आपका ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इस CH3 ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन यहाँ आया, ये एक प्लेन में लाई करते हैं सब, क्योंकि आप इधर से देखें तो एक क्या है, एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप है इसका, और जो लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप आपका CR यहाँ से निकल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, तब तक यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है ब्रोमीन आके थोड़ा ऐड भी हो गया। अब जैसे ही ये टोटली निकलेगा ये टोटली ऐड हो जाएगा एंड फर्दर आपको एक वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ब्रोमीन एंड अबव साइड हाइड्रोजन, ये हमारा वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये थी हमारी SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब जो है हम फर्दर आगे बढ़ते हैं एंड जब आगे बढ़ेंगे तो हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, एग्जाम्पल 10.5, जिसमें जो एग्जाम्पल है वो ये है कुछ इस तरह से कि हेलो एल्कीन्स
जो हेलो एल्केन्स हैं लाइक CH3CH2Cl एंड कोई भी हेलो एल्केन हो सकता है, रिएक्ट्स विथ पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। मतलब CH3CH2 एंड Cl प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड गिव्स CH3CH2Cn प्लस KCl, ये आपका बाय प्रोडक्ट होता है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। हमें उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बेसिकली हमें ऑर्गेनिक का पार्ट देखना है। एक ये हो गया फर्स्ट जो कह रहे हैं, एंड जो सेकेंड कह रहे हैं कि वाइल सिल्वर साइनाइड फॉर्म्स आइसोसाइनाइड्स एज द चीफ प्रोडक्ट। मतलब क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट लाइन है वो ये कह रहा है कि अगर हम केसीएन से रिएक्शन कराते हैं किसी भी हेलो एल्केन का, तो हमें साइनाइड एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी मतलब जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में। और अगर सेम सब्सट्रेट की रिएक्शन अगर हम सिल्वर साइनाइड से करा दें, तो हमें एक आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है, CH3CH2NC प्लस AgCl। तो बात आता है कि ऐसा होता क्यों है, यही क्वेश्चन में है कि AgCl फॉर्म्स आइसोसाइनाइड्स एज द चीफ प्रोडक्ट। चीफ प्रोडक्ट मतलब यही मेजर प्रोडक्ट बनता है, बस लैंग्वेज को घुमाया गया है। एज चीफ प्रोडक्ट एक्सप्लेन, मतलब हमें यही एक्सप्लेन करना है। तब जरूरी नहीं है यहाँ पर जैसे CH3CH2Cl लें, आप कोई भी इथाइल क्लोराइड लें, आप प्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड ले सकते हैं, दिस इज योर चॉइस, या फिर इन जनरल आप इसको RCl भी लिख सकते हैं। ये R एक वेरिएबल टाइप का हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप उसको RCl भी लेके इस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन लिख लें, फिर अगर ध्यान दें आप, तो मैं एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शन में बताया था आपको, ये दोनों रिएक्शन कराया था कि एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शन जो लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस किए थे, उसमें मैं आपको बताया था कि ये जो है पोटेशियम साइनाइड, ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है? KOH। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, KCN जो है वो क्या है, एक सॉल्ट है। किसका? KOH प्लस HCN। अब क्यों, क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है और HCN एक वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट बनता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, जो हमें KCN के फॉर्म मिलता है प्लस एक H2O फॉर्म होता है। तो जी ये सॉल्ट है, जब सॉल्यूशन हो जाता है तो K प्लस एंड CN माइनस में कन्वर्ट करता है, एंड ये CN माइनस में जो डोनर एटम होता है दैट इज कार्बन, नॉट नाइट्रोजन। तो इसलिए ये अब जो ये अटैक करेगा किसी भी हेलो एल्केन में प्लस CN माइनस, तो कार्बन का ही सेंटर करेगा, ये यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2। तो अब इन दोनों के बॉन्ड में जो फॉर्म होगा वो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में होगा, तो CN बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा एक मेजर कंपाउंड बनता है साइनाइड, जिसे हम इथाइल साइनाइड बोलते हैं। ये इथाइल है और एक साइनाइड ग्रुप है, तो इसे हम इथाइल साइनाइड बोलते हैं। बट इन केस ऑफ AgCl, सिल्वर जो है AgCl के केस में, सॉरी नॉट AgCl, AgCN, AgCN के केस में जब CN होता है वो उस पर डोनर एटम जो होता है वो कार्बन नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह जो ये लोन पेयर डोनेट करता है वो नॉट कार्बन, इन दिस केस ये नाइट्रोजन डोनेट करता है। इसीलिए जब हम इसकी रिएक्शन किसी भी हेलो एल्केन से कराते हैं प्लस CN, तो ये N माइनस वाला पार्ट, ये N माइनस वाला पार्ट अटैक करता है और ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, तो हमें जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट
वो होता है CH3CH2NC, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड हमें फॉर्म होता है, इसीलिए जब हम केसीएन यूज करते हैं तो हमें एक साइनाइड प्रोडक्ट मिलता है, और जब हम एजीसीएन यूज करते हैं तो हमें एक इथाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि दोनों ही केस में न्यूक्लियोफाइल एक जैसे हैं, बट जो डोनर एटम है दोनों के केस में, एक के केस में कार्बन है और दूसरे के केस में नाइट्रोजन है। तो जब कार्बन डोनेट करेगा तो साइनाइड फॉर्म होगा, और जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। आप इस बात को ध्यान रखें। ये हुए है हमारे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। आप लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है। आप एक एग्जांपल ले लें, फिर ये दिखा कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है, ये AgCN है, इसमें जो डोनर एटम है AgCN के केस में नाइट्रोजन है, बट इन केस ऑफ KCN पोटेशियम साइनाइड जो डोनर एटम है दैट इज कार्बन, दैट्स वाई इन दैट केस इन केस ऑफ KCN साइनाइड प्रोडक्ट फॉर्म्स एज अ मेजर प्रोडक्ट, वेयर एज इन केस ऑफ AgCN सिंस डोनर एटम इज नाइट्रोजन तो वी फॉर्म दैट द आइसोसाइनाइड फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या मेरी बात यहाँ पर क्लियर हुई? अगर हुई तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में तो आगे हमें मिलेगा, अगर हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चलें तो SN1 रिएक्शन मिलेगा एंड देयर मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, एंड जो है वो रेट के बेसिस पर है, किसकी रेट कितनी होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो उसका भी हमने डिस्कशन किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में। और उसमें हमने देखा था कि 3 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3X जो है वो उनके बेसिस पर कि रेट का क्या ऑर्डर होगा। तो बस वही आगे हैं, इसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। एंड फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो एक आपको मिलेगा CH2+ इन केस ऑफ बेंजीन रिंग टोलुइन अगर देखा जाए तो उसको हम फर्दर बाद में, ये बेसिकली रेजोनेंस के बेसिस पर है, तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब मैं रेजोनेंस के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 10.6। 10.6 में जो है वो कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। रिएक्शन फास्टर होने का क्या मतलब, रेट ज़्यादा होनी चाहिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो हमें एक एक पेयर दिए हुए हैं, ऐसे में दो पेयर्स गिवेन है हमें, और उन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि किसकी रेट ज़्यादा होगी। अगर आप वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट भी लगने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन को करने में। क्यों? क्योंकि मैं इन क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर हम इसकी बात करें तो ये CH2 एंड Cl एंड जो सेकेंड कंपाउंड है वो है Cl। अब आप बताइए हमें कंपेयर किसका करना है, SN1 का करना है या SN2 का करना है? तो कंपेरिजन तो हमें SN2 के रेट का करना है, एंड मैं आपको बताया था कि SN2 की रेट जो है वो जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होती है वो रेट डिक्रीज होती है। आपको बताया तो था कि जब हम सब्सट्रेट को 3 डिग्री रखते हैं तो इसमें SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है, इसमें SN1 होता है। SN1 क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनेगा,
और कार्बन टैंक अगर फॉर्म होगा तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 9 होंगे, एंड ये एक स्टेबल कार्बन टैंक फॉर्म होगा। जब हम सेकेंड देखते हैं तो CH2 डिग्री, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर एक्स लगा देते कोई लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर SN2 होता है बट इन वेरी लेस केस, लेस अमाउंट। SN1 अच्छी खासी अमाउंट में होता है, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो SN1 का होता है, SN2 एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। खैर उसका डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो सेकेंड होता है, थर्ड होता है, वो CH3CH2X, ये एक तरह के लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, कार्बोकोटाइन फॉर्म होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होगा, 3 होंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। इस पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है ओनली। तो अब इन दिस केस जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग डिक्रीज होती है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो इन दिस केस SN2 के रेट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू SN1, क्यों? क्योंकि इसके पास जब कार्बोकोटाइन फॉर्म होगा, ये दोनों ही रिएक्शंस होंगी बट ये मेजर फॉर्म करेगा और ये माइनर। अब जैसे ही जैसे अल्फा हाइड्रोजन के नंबर्स कम हो रहे हैं, या ये कह लीजिए कि जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग डिक्रीज हो रही है, SN2 का रेट बढ़ रहा है। तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है, अगर वो निकलेगा तो यहाँ पर कार्बोटाइन फॉर्म होगा, और यहाँ से जब निकलेगा तो ये इस तरह से कार्बोकोटाइन यहाँ पर फॉर्म होगा। अब खुद बताइए, अब हमें ये जो कार्बोकोटाइन है और ये जो कार्बोकोटाइन है, ये जो कार्बोकोटाइन है वो बेसिकली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बोकोटाइन है। और इस कार्बोकोटाइन की बात करें तो ये 2 कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री कार्बोकोटाइन है। और रेट ऑफ SN2 के केस में 1 डिग्री का ज़्यादा होगा रेट एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकोटाइन, क्यों? क्योंकि इसके पास स्टेरिक क्राउडिंग कम है, इसके पास ज़्यादा है। तो रेट किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा बी से। यही आपको एक्सप्लेन होगा कि हाँ, आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि जो गिवन है वो ये है कि इट इज प्राइमरी हेलाइड एंड देयर फोर अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। वही चीज मैंने आपको बताया कि ये 1 डिग्री हेलाइड है, जब ये कार्बोकोटाइन फॉर्म होगा तो ये इसके पास जो स्टेडी क्राउडिंग होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस, एंड स्टेडी क्राउडिंग कम होगी तो इसकी रेट ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। अगर इसी यही केस हम SN1 के केस में अगर कंपेयर करते, ये तो केस हुआ SN2 के, अगर मान लीजिए यही SN1 के केस में होता तो हम अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर आंसर करते हैं। तो यहाँ पर CH2+ फॉर्म हुआ और यहाँ पर ये कार्बोकोटाइन फॉर्म हुआ। इसके पास अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग करें तो इसके पास अल्फा कार्बन कहाँ है, ये है, जो इस कार्बन कार्बोकोटाइन से अटैच्ड जस्ट कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की नंबर 1 है। बट इन दिस केस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं एंड यहाँ पर भी 2 हैं, क्यों? क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है इन दिस केस, एंड ये भी है, क्योंकि इस कार्बोकोटाइन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की नंबर 4 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी रेट ज़्यादा होगी इन केस ऑफ SN1। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर SN2 का रेट करना है, तो मैं आपको सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि अगर SN1 का केस होता तो ऑर्डर क्या होता। अब सेकेंड जो है, सेकेंड बड़ा ही इजी सा है। सेकेंड है हमारा कि ये आयोडीन है, ये फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, एंड सेकेंड हमारा क्लोरीन है। अब किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा कॉमन होगा। अब एक बात बताइए, न्यूक्लियोफाइल सेम, सॉल्वेंट का कोई आइडिया नहीं, मतलब सॉल्वेंट भी हम सेम मान के चलेंगे कि सॉल्वेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। और सबस्ट्रेट, अगर हम इसकी बात करें सबस्ट्रेट की, तो ये ग्रुप्स भी दोनों में सेम है, बस फर्क क्या है लिविंग ग्रुप का।
तो रेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव में, रेट ऑफ रिएक्शन में, जो मैं लिविंग प्रोबेबिलिटी बताया था आपको, बताया था कि जो कंपाउंड में बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होंगे उनकी रेट ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू बैड लिविंग ग्रुप्स। मैं आपको ये भी बताया था कि जो लिविंग प्रोबेबिलिटी है इन केस ऑफ हैलोजन्स, आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर क्लोरीन की, एंड लीस्ट होती है फ्लोरीन की, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में भी डिस्कस किए थे कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में कि सी एफ बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, ये इतनी आसानी से टूटता ही नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना होता है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, जितनी आसानी से निकलेगा उतनी ही आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन करेगा। तो इसमें रेट किसका ज़्यादा होगा? ऊपर वाले का, इट मीन्स फर्स्ट का रेट ज़्यादा होगा सेकेंड से। दिस इज आवर आंसर। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10.7, करें प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमें SN1 एंड SN2 दोनों का ही रेट कंपेयर करना है। फर्स्ट जिसमें कंपेयर करना है वो करना है कि द फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, फोर आइसोमेरिक ब्रोमो ब्यूटेन्स और फोर आइसोमेरिक ब्रोमो ब्यूटेन्स का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दिया था कि आइसोमर्स जो हैं उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, एंड जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी कनेक्टिविटी, या फिर हम ये कह लें इजी लैंग्वेज में कि जो उनका नॉमनक्लेचर करेंगे तो वो नॉमनक्लेचर डिफरेंट आएगा। इसके बेसिस पे मैं दो तीन एग्जांपल्स भी पहले कराया हूँ जो बीच में यूज हुए थे। आइए इसके हम देख लेते हैं कौन कौन से आइसोमर्स फॉर्म होंगे। ऑल दो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, इसका मतलब चार ब्रोमोब्यूटेन्स के बनेंगे आइसोमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेट बना लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये तो कार्बन हो गए, और इस कार्बन से मैं ब्रोमीन ऐड कर देता हूँ तो ये एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इस ब्रोमीन को हम इस पोजीशन पर न करके यहाँ पर कर दें, ये सेकंड कंपाउंड बन गया। अब थर्ड कंपाउंड क्या होगा? थर्ड कंपाउंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ब्रोमीन को हम यहाँ पर करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कर भी दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर कर दिया एक और आइसोमर फॉर्म करने के लिए, बट आप एक बात आइए, जब नंबरिंग हम करेंगे फॉर नॉमनक्लेचर तो यहाँ से राइट साइड से करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो जब नंबरिंग करेंगे तो इसको 1, 2, 3, 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टू ब्रोमोब्यूटेन। और जब हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे नहीं, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 इसका लोकेंट नंबर 3 आएगा, और इधर से करेंगे तो 1, 2 ये सेकेंड पोजीशन पे ही आ जाएगा, मतलब ये वाली नंबरिंग हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब सही होगी। 1, 2, 3, 4 अगेन आप नेमिंग करेंगे तो टू ब्रोमो ब्यूटेन फॉर्म होगा। अब एक बात बताइए, क्या इन दोनों के नॉमन किस्म कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? और अगर हम इसकी नॉमन फेसर कर लें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो 1, 2, 3, 4 इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यही तो होगा, ये होगा हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इन दोनों का नॉमेनक्लेचर देख लीजिए इंटायरली डिफरेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोमर है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H9Br, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर एंड 3 यहाँ पर। इन दिस केस C4, क्योंकि कार्बन तो 4 है ही,
तीन यहाँ पर हाइड्रोजन है, तीन यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, तो H9 एक यहाँ पर है तो 9 हुआ, और एक Br है तो C4H9Br। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बट नॉमेनक्लेचर डिफरेंट, हेंस दे आर व्हाट दे आर आइसोमर्स ऑफ इच अदर। तो अभी तक तो हमें सिर्फ दो आइसोमर्स मिले, हमें कितने बनाने हैं, हमें चार बनाने हैं और इनका रेट का कंपैरिजन करना है आपस में। फर्स्ट एंड सेकेंड बन के थर्ड देखते हैं कि क्या बन सकते हैं। आप एक बात बताइए, ये हमने 3 डिग्री कार्बन बनाया और इसी से हमने एक बी आर को लगा दिया। अब आप बताइए क्या ये इन दोनों से डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप इसकी जब नेमिंग करेंगे तो 1, 2, 3 क्या आएगा? 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, प्रोपेन, है ना? डिफरेंट आ रहा है नॉमेनक्लेचर। और आप मैच करा लीजिएगा, 3 3 3 9 और C4H9Br है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, मतलब एक आइसोमर हमारा थर्ड ये होगा। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकंड लेते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, आई मीन स्ट्रक्चर हो गया आइसोमर्स। अब ये फोर्थ क्या होगा? फोर्थ क्या होगा कि ये CH3 एच एंड CH2Br। हमने क्या किया कि इसके एक हाइड्रोजन से यहाँ पर इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया एंड Br को इसको यहाँ पर कर दिया। आप नेमिंग देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 नेमिंग क्या आएगा? 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे चार आइसोमर्स फॉर्म हुए किसके? फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स अगर पूछा जाए तो ये होंगे 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी हो गया, तो इस स्ट्रक्चर को मैं अगले पेज पे बना लेता हूँ और वहाँ पर इसका रेट का अब हम डिस्कशन करते हैं। आप इनको भी अपने एक नए पेज पर लिख के और अपना रेट का कंपेयर कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद हम तो डिस्कस करेंगे। ये मैंने चारों आइसोमर्स को बना दिया, अब हमें रेट का कंपैरिजन करना है इसमें। तो रेट फॉर SN1 हम लिखते हैं कि SN1 के केस में रेट क्या होगा। अब बताइए ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा CH2+, ये 1 डिग्री कार्बन है? बिल्कुल है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये जो फॉर्म होगा आप बना के देख लीजिएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये जो फॉर्म होगा दैट विल बी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड दिस, अगर हम इसकी बात करें तो CH3 CH2 एंड Br यही तो है। जब यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जब ये लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा, तो इससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, मतलब ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हम जो है अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर इसकी रेट को डिस्कस करेंगे। इन दिस केस अल्फा हाइड्रोजन कितना है? फर्स्ट के केस में 2 है तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 है ना। तो यहाँ पर जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो इससे एक कार्बन इधर अटैच है, इधर एक अटैच है, तो 3 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर, 5 होंगे। अगर हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन 9 होंगे। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम काउंटिंग करें तो जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो इससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है, 2 तो हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है। यस, इन दिस केस अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है। तो आइए हम रेट लिखते हैं। अगर हम रेट की बात करें तो आपको लगेगा कि जो यहाँ पर ये वाली मॉलिक्यूल है अल्फा हाइड्रोजन सिंग्स, इसके पास कितने हैं? 2 हैं और इसके पास 0 हैं,
इसकी रेट सबसे कम होगी। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपने जो है क्लास 11th के जीओसी में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्लास 11th के जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ओपन चेन अगर है कोई भी हेलो एल्केन या हेलो एल्केन्स वगैरह हैं तो उनमें इनका प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसमें भी प्लस आई लगेगा बट इन दिस केस प्लस आई लगाने वाला सिर्फ एक है और इन दिस केस प्लस आई लगाने वाला दो है। प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई जिसे हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इन दिस केस प्लस आई जो है वो दो है एंड इन दिस केस प्लस आई कितना है, सिर्फ एक है। तो इसीलिए जो रेट ऑफ SN1 होता है वो सबसे कम होता है ये फर्स्ट वाले कंपाउंड में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इसके बाद सेकेंड आता है, सेकेंड पोजिशन में आपका फोर्थ वाला कंपाउंड आएगा जो हमने ये प्लस आई डिस्कट किया। अब थर्ड क्या आएगा, थर्ड आएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 5 है, सॉरी मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, ये सेकेंड आ जाएगा और ये आपका थर्ड आ जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा यहाँ पर तो एक इस CH3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, एक इसका लगेगा। तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट और इसका इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का, इसके पास भी 2+I है, इसके पास भी 2+I है, प्लस आई सेम हो गया, सेम हो गया तो हम अल्फ़ा हाइड्रोजन के बेसिस पे इसका आंसर कर सकते हैं। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हैं, इसके पास 2 हैं, सिंस इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। और इसी के बेसिस पर, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर आप इसको भी आंसर कर सकते हैं कि इसके पास 3 इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं। सिंस 3 इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं 3 CH3 ग्रुप से तो इसके पास 3+I है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या होगा आपका, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट। जो सेकेंड है हमें, अच्छा इसका SN2 का भी करना है ना, तो SN2 का भी कर लेते हैं। SN2 के रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि रेट ऑफ SN2 में जो है स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पर हम अपना आंसर करते हैं। तो आप बताइए, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है ना, तो सबसे ज़्यादा रेट होगा ये इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास लीस्ट स्टेरिक क्राउडिंग है। ये बड़ा ही छोटा सा, यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं तो ये छोटा सा होगा। इसके पास जो रेट होगी SN2 की सबसे ज़्यादा होगी, ये फर्स्ट होगा। फिर जो सेकेंड पोजीशन पे आएगा ये फोर्थ आएगा, क्योंकि इन दोनों से तो छोटा ही है। फिर जो आएगा हमारा ये, और सेकेंड और थर्ड की बात करें तो सेकेंड आएगा और सबसे लीस्ट जो होगा वो थर्ड होगा। ये होगी हमारी SN2 की रेट। ये हमारी है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10.7,
10.7 का ही सेकेंड पार्ट, एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट था, ये हम सेकेंड पार्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी आई थिंक चार गिवन कंपाउंड्स हैं, इनके बीच हमें रेट ऑफ SN1 एंड SN2 कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं गिवन है। फर्स्ट है C6H5CH2Br। C6H5CH2Br, तो एक बात मैं आपको बता दूं, C6H5 जहां जहां पे भी आपको देखे, इसका मतलब होता है कि एक बेंजीन रिंग है। CH2Br आप ऐसे देखिए, एक हाइड्रोजन यहां पर होता है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर एंड एक यहां पर। यहां पर जो होता है उससे तो CH2 अटैच्ड है, तो वहां पर तो हाइड्रोजन होगा नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 C6 और हाइड्रोजन 5, C6H5 और फिर CH2Br। तो C6H5 जहां हो आप उसे बेंजीन रिंग मान सकते हैं। फिर CH2 है और Br है, मतलब ये हमारा है। फिर जो सेकेंड कंपाउंड है वो है C6H5CH Br, मतलब इससे जो है दो बेंजीन रिंग अटैच हैं। जो थर्ड है हमारा वो है C6H5CH Br, CH3 अटैच्ड है। एंड जो लास्ट है वो है तीन फिनाइल ग्रुप हैं आप देख सकते हैं, और एक Br है। तो मैं स्ट्रक्चर सही बताया, हम बनाया हूँ बिल्कुल सही बनाया। C6H5, फिर C6H5C है, फिर है लास्ट में C3 एंड C6H5 है आई थिंक। जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, इन दिस केस जो है, जो लास्ट वाला जो केस है उसमें दो बेंजीन रिंग हैं एंड एक जो है वो मिथाइल है, CH3 एंड Br, कुछ इस तरह से। तो एक काम करते हैं, जो अब स्ट्रक्चर में बना चुका हूँ उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन में गिवन, ऑल्दो ये नहीं है बट हम मान लेते हैं कि ये भी है और हम रेट में कंपेयर करने जा रहे हैं। SN1 के रेट की बात करते हैं, तो मैंने इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट जो बताया था, तो आपको बताया था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स अटैच होंगे कार्बो कटायन से, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एंड वो कार्बो कटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको बताया था ना, जब इफेक्ट्स ऑफ सब्सट्रेट बताया था, इफेक्ट्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें आपको मैंने डिस्कशन किया था। तो आप बताइए सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग किस केस में, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, तो बताइए रेट किसका ज्यादा होगा। इसके पास तीन बेंजीन रिंग है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा बनाएगा, और सीन सबसे ज्यादा बनाएगा, तो SN1 के केस में रेट इसी की सबसे ज्यादा होगी, फोर्थ की रेट सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड नंबर पे इसके पास दो फिनाइल ग्रुप्स हैं एंड इसके पास भी दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, मतलब इन दोनों का अब हमें कंपेयर करना, या तो सेकेंड हो सकता है या तो फिफ्थ हो सकता है। अगर हम सेकेंड को देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, और CH3 जो है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। इसके प्लस आई इफेक्ट से जो कार्बो कटायन है वो कुछ ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, मतलब सेकेंड पोजिशन में फिफ्थ वाला आएगा।
अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पे फिर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग गिने। अब इसका और इसका तो हो गया, बचे हैं ये तीनों। इन तीनों में सबसे ज्यादा इसके पास है बेंजीन रिंग, मोर सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे, तो ये सेकेंड आएगा। फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे हम तो थर्ड आएगा। ऑल दो इसके पास बेंजीन एक है, इसके पास भी एक बेंजीन रिंग है, बट इसके पास प्लस आई इफेक्ट यूज हो रहा है CH3 का, और इसके पास प्लस आई वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। आप इसे प्लस आई से भी देख सकते हैं, या फिर आप कार्बोकैटायन बनाएंगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ये तीनों हैं, 3 आएंगे, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 आएंगे, तो आप अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। जो नेक्स्ट पोजिशन पे आएगा वो थर्ड होगा, एंड सबसे लीस्ट जो होगा वो फर्स्ट होगा। ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 रिएक्शन फॉर गिवन। अब आइए SN2 का भी देख लेते हैं। SN2 के केस में क्या होगा? जितना ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ही रेट कम होगा। स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज़्यादा इसमें है, इसका रेट सबसे कम होगा, तो जो फोर्थ है इसका रेट सबसे कम होगा। फिर आएगा ये, मतलब यू समझ लीजिए कि इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, फिफ्थ, फिर सेकेंड, फिर लीस्ट होगा थर्ड, एंड फर्स्ट सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसके पास स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम है। एक ही बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साइड इतनी सा तो होता है, CH3 का देखा जाए तो इतना सा होता है, तो स्टेरिक क्राउडिंग इसकी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई थिंक यहाँ पर हमारा SN रिएक्शन की चीज़ें खत्म होती हैं। नेक्स्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं आपको ये जस्ट अभी इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया। स्टीरियोकेमिकल बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN रिएक्शन के बेसिस पर मैंने आपको इस टॉपिक को कराया था, और इसमें अब हम एग्जाम्पल 10.8 सॉल्व कर लेते हैं, ताकि इस बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। आप और मैंने कायरलिटी भी बताया था लास्ट जाते जाते 5-10 मिनट में, तो आइए उसके बेसिस पे जो 3-4 एग्जाम्पल्स हैं इनको हम कर लेते हैं। हाँ तो भाई आइए हम स्टार्ट करते हैं। 10.8 आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंपाउंड्स विच एंड डेस रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू क्लास 11th। तो क्लास 11th का बेसिक ये टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास 11th तो भूल गए होंगे आई थिंक, क्योंकि तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। खैर फर्स्ट सेकंड बेसिकली पेयर है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें है कुछ इस तरह का हाइड्रोजन OH, CH3 हमारा है विरोधी प्लेन, एंड BR हमारा है अबव द प्लेन। नेक्स्ट जो है वह एच बी आर, CH3 हमारा है अगेन बिलो द प्लेन, और BR है हमारा, या BR है हमारा अबव द प्लेन। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है कुछ इस तरह का कि CH3 हमारा अबव द प्लेन है OH, और बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, और नेक्स्ट है CH3 एंड CH3, अबव द प्लेन है हाइड्रोजन एंड बिलो द प्लेन है OH हाइड्रोजन, एंड जो लास्ट है वो है CH3 CH2 CH3, एंड जो नेक्स्ट है वो है CH3 CH2 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 BR, ब्यूटाइल ब्रोमाइड या ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हमें इन्हें बताना है कि कौन कौन से कायरल हैं और कौन कौन से अकायरल हैं। कायरल मैंने आपको बताया था कि जब भी एक टेट्राहेड्रल कार्बन आपको दिया जाए, चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच्ड हैं तो वो कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा, इसे हम स्टार मार्क करते हैं, और अगर कोई भी एनी वन रिपीट हुए, मान लीजिए 2 टाइम्स A आ गया या 2 टाइम्स B आ गया, या फिर सेम कंपाउंड अगर आया है, तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा।
तो जो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होते हम उसे अकायरल बोलते हैं, और अगर वो कायरल होगा तो हम उसे कायरल बोलेंगे। तो कायरल और अकायरल बस इतना ही डिफरेंस है। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन है अलग, इसको हम ए नाम दे देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग बी, बी आर अलग सी, सी एच थ्री को हम नाम देते हैं डी, ए बी सी डी चारों डिफरेंट है, मतलब ये क्या है, कायरल सेंटर है। आप अगर इस बेसिस पे करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर हमने हाइड्रोजन को माना ए, बी आर को माना बी, अगेन बी आर है मतलब ये भी है बी, और सी एस थ्री हमारा मान लिया सी, क्योंकि ये दो बार रिपीट है, ये बी एंड पी दो बार रिपीट किए हैं, ये कायरल सेंटर नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, इस वाले कार्बन को देखते हैं। इस वाले कार्बन को अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ए, हाइड्रोजन बी, ये सी एच थ्री, ये हो गया सी, और इस साइड में हम देखेंगे तो इतना सा बड़ा सा ग्रुप है जिसे हम नाम डी दे सकते हैं, ए बी सी डी ऑल आर डिफरेंट, हेंस दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, ये मॉलिक्यूल जो होगा अकायरल होगा, ये होगा हमारा कायरल, अगेन दिस वन इज कायरल। अगले पे चलते हैं। अब इस सेंटर बताइए, हाइड्रोजन ए नाम दिए, हाइड्रोक्सिल बी नाम दिए, ये इधर इथाइल ग्रुप है सी, एंड सिमिलर देखिए इधर भी इथाइल ग्रुप है, मतलब ये भी है सी, अगर हमने इसको सी नाम दिया तो मतलब जितने भी इथाइल ग्रुप है हम सबको सी नाम देंगे, तो ये सी हुआ, सी सी रिपीट हो गया, एंड रिपीट हो गया तो ये अकायरल होगा क्योंकि ये कायरल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आप इसमें देखिए, ये सी एच थ्री है सी है, हाइड्रोजन है सी एच थ्री है, एंड सी एच टू सी एच थ्री है, इसको हम नाम दिए ए। आप अल्टरनेट किसी को भी ए बी सी डी देख सकते हैं, मैं एज इट इज कोई भी किसी को भी मान लेता हूँ, इसको मैं बी, इसको अब इसमें मिथाइल ग्रुप को हम बी माने हैं तो इसको भी बी मानना होगा, ये सी, ये दोनों रिपीट हुए हैं और रिपीट हुए तो ये अकायरल होगा, नॉट कायरल। लास्ट वन, लास्ट वन की अगर हम बात करें तो ये है सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी, इस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक बी आर है, इसको हम नाम दिए ए, हाइड्रोजन का नाम दिए बी, तो ये भी हाइड्रोजन है तो ये भी बी होगा, और ये एक प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है तो इसको हम नाम देते हैं सी, अब बी और बी सेंस रिपीट हुए हैं तो ये कायरल नहीं होगा, और कायरल नहीं होगा तो क्या होगा, अकायरल होगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आपको तो मैंने पिछले ही लेक्चर में सब सारी चीज़ बता चुकी था, ये क्वेश्चन हो गया था आपको प्रैक्टिस भी हो, प्रैक्टिस में आ गया तो आई थिंक आपको अब कोई समस्या नहीं होगी इसमें, है ना। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है और तीन ऑप्शंस हैं जो कायरल हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आप देख सकते हैं इसको हम कायरल बोले, ये सही है हमारा, ये वाला भी कायरल है, ये भी सही है हमारा, ये अकायरल है। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ किया हूँ, या मैं गड़बड़ किया हूँ, देखो भाई साहब ये सी एच थ्री सी एच, यहाँ पर एक्चुअली बी आर है, वो गलती से मैं यहाँ पर सी एच थ्री लिख दिया हूँ, अगर हम सी एच थ्री सी एच बी आर और सी एच टू सी एच थ्री को डिस्कस करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पर, क्योंकि इसमें गलती से यहाँ पर सी एच थ्री लगा दिया था मैं, यहाँ बी आर था तो इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, इसको भी हाइड्रोजन है तो इसको मैं सी, और ये जो है इथाइल ग्रुप इसको मैं डी नाम देता हूँ इस कार्बन से। आप कुछ इस तरह से देखिए कि इससे एक बी आर है, सी एच थ्री है, हाइड्रोजन है और फिर सी एच टू सी एच थ्री है, आप इसको नंबरिंग की रहे ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी चारों डिफरेंट हैं, डिफरेंट है तो ये कायरल होगा। ये एक्चुअली मैं बाय मिस्टेक वो गलती लिखा गया, आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी दोनों सेम है तो ये अकायरल होगा। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो हमें कुछ देखने को मिलेगा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्या गए, हमें क्या पढ़ना है। अब आगे जो एसन रिएक्शन है, जो चीज़ें टॉपिक्स गिवन है आपको, ये थ्री डी ओरिएंटेशन में, ये आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर स्टीरियो केमिस्ट्री वाले में पढ़ाया है,
जब वेज गैस में फॉर्मूले हो तो ऐसे में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जब फिक्सचर में हो तो मैं एक दो एग्जाम्पल इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही करा दिया हूँ, तो आप उन एग्जाम्पल्स को देख के इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और आप इसको ना भी देखें तो कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल्स को एक बार आप देख लीजिएगा एंड फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा हो चुका है तो फिर बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं, इसे सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही कहा जाएगा। तो फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा। आइए देखते हैं कि एलिमिनेशन क्या है। हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ, अब जो हमारा सेकेंड टाइप की रिएक्शन थी वो थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एलिमिनेट होगा मतलब जो गिवन कंपाउंड है उसमें से एक किसी एक का एलिमिनेशन होगा, मतलब उस कंपाउंड को वो छोड़ के निकल जाएगा हमेशा के लिए। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, जब वो लिविंग ग्रुप निकल रहा था तो उसके बदले कोई एक और आकर सब्स्टिट्यूट हो रहा था, बट एलिमिनेशन में वो सिर्फ एलिमिनेट ही होगा, उसमें कोई एडिशन नहीं होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, सी हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH2 एंड CH3, और इसकी हम रिएक्शन अगर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हैं तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो है लिविंग ग्रुप इसको बाहर निकाल देगा, और इसके जस्ट अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन को भी निकाल के भाग जाएगा, CH3 सी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3 फॉर्म होगा। अब बात आती है ये हुआ कैसे, बड़ा मुश्किल दिख रहा है, आइए देखते हैं। ये क्या है कि जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम डालें, तो इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि फिर यहाँ पर है CH, इससे CH3 और हाइड्रोजन अटैच है, हमारे पास एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है के प्लस ओ एच माइनस, ये के प्लस जो है इस बी आर माइनस को निकाल लेगा, और इस ओ एच माइनस का रिएक्शन इस हाइड्रोजन से होगा, तो यहाँ से बी आर निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, अब यहाँ से भी एक बॉन्ड गया, यहाँ से भी एक बॉन्ड गया, तो इन दोनों को मिलाकर हम डबल बॉन्ड बना देंगे। इतना ध्यान दें कि जो डबल बॉन्ड होगा जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे ही होगा, ये नहीं कि इसको और इसके बीच बना दे और इसको गायब कर दे, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए, जो एडिशन रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, एक पाई बॉन्ड को तोड़कर दो सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते थे एडजेसेंट कार्बन पे, इस ये जस्ट उसका अपोजिट है, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स निकाल के हम एक पाई बॉन्ड बना देते हैं, एक लिविंग ग्रुप होगा एक हाइड्रोजन होगा, इन दोनों के बीच में हम डबल बॉन्ड बना देंगे। अब बात आती है कि इसके पास दो ऑप्शन हो सकते थे, एक तो इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन ले, ये भी तो हो सकता था कि इससे ना लगे इस वाले से ले लेता, तो जब इससे हाइड्रोजन ये लेता निकालता तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 बनता, ये कंपाउंड ए हो गया, ये कंपाउंड बी हो गया। अब ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो डबल बॉन्ड ये इसमें भी हम अल्फा हाइड्रोजन का ही यूज करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हम बेस मानेंगे, और इससे जितने भी कार्बन अटैच होंगे वो हमारे अल्फा कार्बन होंगे, और जैसा मैं पिछली बार बताया अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन की नंबर यहाँ पर 6 है, 3 एंड 3 6। इन दिस केस अगर हम देखें तो इस डबल बॉन्ड के बाद इधर तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, मतलब इस वाले से है, इस वाले कार्बन पे जो है, तो मैं दिखा दूँ ओपन करके आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है, फिर इसके बाद अगर और एक होगा तो वो गामा कार्बन होता है,
बट हमें अल्फा कार्बन से ही मतलब होता है। अल्फा कार्बन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन दो है। एक बार बताइए, इसके पास छह अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबल कौन होगा? छह अल्फा हाइड्रोजन वाला होगा। तो मेजर कौन बनेगा? मेजर ये बनेगा और माइनर ये बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है, उसको हम सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कम होती है, डबल बॉन्ड के अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, हम उसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला है एग्जांपल हम ले लेते हैं, सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू सी एच थ्री एल्कोहलिक के ओ एच। आप एल्कोहलिक के ओ एच ले सकते हैं या फिर कोई बल्की सब ये ले सकते हैं, बल्की ग्रुप लाइक दिस एल्कोहलिक के ओ एच हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अगेन ये जो अब ऊपर वाला ही रिएक्शन, मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, मैं दोनों ही बना देता हूँ। ये हो गया जाएगा हमारा स्टेबल वाला सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच थ्री। हमें ये तो पता है कि ये यहाँ से जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का ये भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। हमने एक बार यहाँ से निकाला, प्लस सेकेंड टाइम हमने इस वाले से निकाला, तो ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू सी एच थ्री फॉर्म हुआ। अब ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास सिक्स है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? टू है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा सेटजेफ प्रोडक्ट। और ये होगा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। कभी कभी होता है कि आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको सेटजेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट बताना है कि कौन होगा। एक तो एग्जांपल मैं करा देता हूँ उसके बेसिस पर आपको। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से सी एच थ्री सी एच एंड इसी से हमने एक आयोडीन लगा दिया, ये हमारा हो गया सी एच, एक फिनाइल ग्रुप बेंजीन और एक सी एच थ्री, ये हो गया हमारा कंपाउंड। हम किसी भी कंपाउंड को मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल है। और इसका हम रिएक्शन एक बल्कि बेस से करा रहे हैं, ओ माइनस के प्लस से एलिमिनेशन होगा। इसमें क्या होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब एलिमिनेशन होगा मतलब आयोडीन निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन अगेन या तो लेफ्ट वाले से निकल सकता है या तो राइट वाले से निकल सकता है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट वाले से निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट वाले से निकलेगा तो सी एच टू सी एच और फिर इससे होगा सी एच फिनाइल एंड सी एच थ्री, ये होगा। प्लस अगर हम इस वाले से निकालें तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच फिनाइल एंड सी एच थ्री, यही तो होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर आप काउंट करें तो अल्फा हाइड्रोजन ये कौन है? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर होगा तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो तीन तो इधर है और तीन इधर है, मतलब छः है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन की वैलेंसी चार तो होती है, सी एच टू डबल वन डबल वन से दो बैलेंस से कम्प्लीट हुए तो इधर से हुई। बेसिकली छः अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन सिंस इसके पास ज़्यादा हैं तो ये मोस्ट स्टेबल है, एंड मोस्ट स्टेबल है तो ये क्या होगा? मेजर होगा और वो माइनर होगा। और जो मोस्ट स्टेबल अल्किन होती है उसी को हम सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड जो लेस्ट स्टेबल अल्किन होती है जो फॉर्म होता है उसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। आप इतना याद रखें, उससे इतना ही अपने काम का है एलिमिनेशन।
ये हो गया ये एग्जाम्पल कंप्लीट। एक दो एग्जाम्पल है, देखिए आप एग्जाम्पल गिवन भी है, जो एक रिएक्शन कराई हुई है टू ब्रोमोपेंटेन का, एग्जाम्पल मैं ये करा देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH Br एंड CH3, एक ओ एच माइनस है और इसी को हम, इसी का मैं दोनों प्रोडक्ट बनाकर दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक बार इससे हाइड्रोजन ले सकते हो, एक बार इससे, मैं दोनों से ले लेता हूँ। तो CH3 CH2 CH2 मान लीजिए इस वाले से निकालें हम, तो डबल बॉन्ड CH एंड CH3 बनेगा। प्लस अगर हम इस वाले से लेंगे अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH2 और फिर आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तीन यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, पांच है, क्योंकि तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। इन दिस केस अल्फा कार्बन इज दिस, क्योंकि उस साइड कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन यहाँ पर एक है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो उससे दो है। ये स्टेबल होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आपको परसेंटेज भी गिवेन है कि इसमें जो है 81% ये बनता है एंड ये जो है सिर्फ 19% बनता है। ये जो है हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट है। और ये जो है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? और फिर लास्ट में एक डब्बा बनाया गया है, बस एक नोट पॉइंट है और उसमें एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, आप रीड कर लीजिएगा। और इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है और उसका कुछ खास यूज भी नहीं है। तो ये हुआ हमारा, एक मिनट में देख लेता हूँ कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं एलिमिनेशन वर्सेज सब्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज हम आगे रिएक्शन विथ मेटल्स हम देखते हैं। तो उसमें बेसिकली नोट पॉइंट जो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली कहानी है रेस की। तो रेस के घोड़े में अपने घोड़े दौड़ाए जाइए और इसको अंडरस्टैंड करते जाइए, एक बड़ा ही छोटा सा वो है नोट पॉइंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो होगा रिएक्शन विथ मेटल्स एंड रिएक्शन विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ही बता रखा है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आइए एक तो एग्जांपल करा देते हैं। कोई भी आप हेलो एल्केन ले लें, CH3 CH2 Br हमने ले लिया, प्लस इसकी अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है CH3 CH2 MgBr फॉर्म होता है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ, इसे हम CH3 CH2 minus and MgBr plus भी लिखते हैं एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि ये जो पोर्शन है CH3 CH2 minus वाला, ये हमारे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी हेलो एल्केन से आप रिएक्शन करा लीजिए लाइक दिस। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्लोरीन है, आपने क्या किया कि CH3 CH2 MgBr इसमें डाल दिया एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ये CH3 CH2 minus और ये MgBr plus, ये एक न्यूक्लियोफाइल बना तो ये अटैक करेगा, यहाँ पर Cl निकाल देगा इसको। मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये CH3 फॉर्म होगा, यहाँ पर CH3 एज इट इज सेम रहेगा और इस वाले कार्बन से CH2 CH3 ऐड हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारे रिएक्शंस हैं। हम इनके अल्कोहल से साथ भी रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, और भी बहुत सारे रिएक्शंस कराते हैं। COT के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसका हम यूज करेंगे जब हम एल्डिहाइड के टोन में पढ़ेंगे। जब हम इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बनता है रिस्पेक्टिवली। तो फर्दर वो जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे हम उन्हें पढ़ते जाएंगे। एक जो है हमारा CH3 CH2 MgCl, मान लेता हूँ इस पर जरूरत थोड़ी है BrIng। तो ये इस बार ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्लस इसके रिएक्शन अगर हम वाटर करा दें तो क्या हुआ, CH3 CH2 माइनस है। अब ये H2O है तो इसे हम H प्लस प्लस OH माइनस लिख सकते हैं। अब ये H प्लस है, इससे जाकर रिएक्शन कर लेगा तो अब ये H प्लस है, ये माइनस है, दोनों अट्रैक्ट होंगे, रिएक्शन कर लेंगे तो ये CH3 CH2 मतलब इथेन बन जाएगा, और ये जो Mg और ये Cl एंड OH इससे लग जाएंगे। ये हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स और रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन जस्ट जाके ऐड हो जाएगा। जो रिएक्शन विथ मेटल्स में एक और रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये बेसिकली, नेम रिएक्शन में ये है वुड्स रिएक्शन। इसे हम कौन से रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। जब भी कोई भी अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Br, ये क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराएं, डाइमराइजेशन होता है इसमें और जस्ट इसका डबल कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, ये बी आर यहाँ से निकलेगा और फिर यही मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 Br प्लस CH3 CH2 Br होता है CH2 Br, और ये दोनों ही ऐड, Br निकल जाएंगे बस और दोनों ही ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो आपको हेक्सेन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 आपको हेक्सेन मिलेगा। तो एनसीईआरटी में क्या है कि जनरल एग्जांपल लिया गया है RX प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, कोई भी ड्राई ईथर आप ले सकते हैं, और ये क्या होगा, ये RR बन जाएगा। बेसिकली R और R के बीच में बाउंड्री हो जाएगी और ये सोडियम हैलाइड आपका निकल जाएगा। यही है आपका वुड रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है, दैट्स इट। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड था जिसका हमने सोडियम इन ड्राई ईथर कराया तो हमें क्या मिला, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की चेन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन।